मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कर रहे हैं सुन लेते हैं। और एक और निर्णय किया, मैं जहां भी जाऊं पॉपुलर डिमांड पब्लिक की हो या पब्लिक मुझे कोई एप्लीकेशन दे तो उसके बारे में बाद में वो काम हो रहे नहीं हो रहे हमारी सरकार द्वारा इसकी जानकारी मुझे कांग्रेस सेवादल देगा। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी उनकी सोच थी, उन्होंने कांग्रेस सेवादल पर विश्वास किया और सेवादल के अध्यक्ष कौन थे, शिवराज कटारा थे। उठंदान कर लीजिए कि किस रूप में उन्होंने सेवरा कड़ा में विश्वास किया। सूखा बनाम सेवादल, एक बार सूखा पड़ गया बहुत भयंकर, हमने प्रोग्राम मनाया सूखे से डरने के लिए सेवादल। राजस्थान भर के अंदर घूम घूम करके हम लोगों ने खूब काम किया, कड़ाए की जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर में हमने सबको इकट्ठा किया, सेवादल वालों को ट्रेनिंग दी थी 4 दिन की, गांव गांव में भेजा उनको। आकाश सूर्य में गाय मरनी नहीं चाहिए, पीने का पानी जो है मनुष्यों के लिए और गायों के लिए उपलब्ध होना चाहिए और चाहे का प्रबंधन करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी रखी उस वक्त अकाल सूखे में इमदाद करने की पब्लिक को, वो खेमरा कटारा अचानक हमारे बीच से चले गए, वो दुख तो आज भी हमारे दिलों दिमाग के अंदर है। और वो व्यक्तित्व ऐसा था, अभी जिंदा होते पता नहीं वो कितनी ऊंचाई छूटते, राजनीति के अंदर कोई छोड़ नहीं सकता था, इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे। मैं कह सकता हूं कि अब वो तो हमारे देश नहीं रहे और जो उनकी सोच थी विजय कटारा सैन्य कटारा जी पूरा परिवार अमेरिका समर्पित रहा कांग्रेस के लिए, चुनाव में जीत नहीं पाया अलग बात, पर जो इनके दिलो दिमाग के अंदर कटारा साहब के दिमाग में जो बातें थी किस प्रकार में गांव की गरीब की दलित की पिछड़ों की आदि मैं सेवा करूं, वही जज्बा इनके अंदर है पूरे परिवार के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप लोग इसके पधारे हो और जो अस्पताल बना है यहां पर, ये इसके शिलान्यास हुआ था वो भी मेरे हाथों से हुआ, और 11 मई 2000 को जब मैं मुख्यमंत्री बना करूंगा, और 3 साल बाद लगातार आज के दिन 12 जून 2003 में मैंने इसका उद्घाटन किया। स्वयं देखिएगा मुझसे सैन्य कटारा जी विवेक पिछले 6 महीने से कह रहे हैं आप जल्दी आगे मूर्ति लगाने के लिए, जो बैठ ही रहता बार बार कोई प्रोग्राम मजे दूसरे मूर्ति का प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। और देखिए आपके सहयोग देखिए आप कि 8 तारीख में ऑफिस जो दी को वो तारीख वही है जो 12 जून 2003 को मैंने उद्घाटन किया था। ये सुकून की बात है कि आज ही तारीख को मुझे आना था, इसके कह के थक गए मुझे जल्दी कीजिए, मैं आ नहीं पा रहा था क्योंकि आज की तारीख में मुझे देखा था, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, ये अस्पताल बहुत ही लोकप्रिय हुआ है, यानी जनता की अच्छी सेवा कर रहा है। मैं अभी गया वहां पर तो हमारे प्रिंसिपल साहब माथुर साहब ने मुझे बताया कि लगातार यहां पर संख्या बढ़ती जा रही है ओपीडी की भी आईपीडी की भी, जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारी सरकार ने 5 साल में काम किए हैं आज उसी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में पूरे मुल्क में राजस्थान में कई स्थितियां ऐसी है जो हिन्दुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। 25 लाख का बीमा किसी ने कल्पना की थी कि सरकार हमारा पूरा इलाज करवाए, स्वास्थ्य के अधिकार का मैंने कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर, हिन्दुस्तान में कहीं कानून नहीं है, मैंने पास किया। आप लोगों का इलाज पूरा भर्ती होना है, ऑपरेशन करना है, MRI सीटी स्कैन डायलिसिस कुछ भी हो। उदयपुर से सीएम अशोक गहलोत का